बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की जब से अनाउंसमेंट हुई है तभी से फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है। एंड मोमेंट पर फिल्म में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसे लेकर फैंस काफी हैरान है। हाल ही में सलमान के बहनोई आयुष शर्मा और एक्टर जहीर इकबाल ने भी फिल्म से खुद को अलग कर लिया है। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि शहनाज गिल भी ये फिल्म छोड़ सकती हैं। बताते हैं शहनाज सलमान की इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं, लेकिन शहनाज इस वक्त काफी ज्यादा अपसेट है। दरअसल फिल्म को लेकर जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं शहनाज उनसे अनजान है और ऐसे में खबरें आ रही हैं कि शहनाज ये फिल्म करने के फैसले पर फिर से विचार करने के बारे में सोच रही है। दरअसल फिल्म को जिस तरह से नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है उस बात से शहनाज खुश नहीं है। क्रिटिक्स इस बात को लेकर सस्पेंस में है कि सलमान की ये फिल्म बन पाएगी भी या नहीं। वही सूत्रों की माने तो शहनाज को अपने मेंटोर सलमान खान पर पूरा भरोसा है। ऐसे में सलमान ने शहनाज को सब्र रखने की सलाह दी है। उनका कहना है कि वक्त के साथ चीजें सेटल हो जाएंगी। बता दें शहनाज अपने डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड है। उन्होंने इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है। वो अपने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं करना चाहती, इसलिए अपना 100% इस फिल्म को दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, शहनाज अपने एक्सेंट पर भी वर्क कर रही है ताकि वो सही से हिंदी बोल सके। वैसे अब भाईजान ने शहनाज को समझाया है तो शायद शहनाज खुद को वक्त दे और फिल्म को लेकर आने वाले नेगेटिव विचारों को इग्नोर करे। अब शहनाज अपने बॉलीवुड डेब्यू से क्या धमाल मचाती है ये तो वक्त ही बता पाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शहनाज को फिल्म में काम करने का ऑफर भी खुद सलमान खान ने ही दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सलमान ने उन्हें फिल्म के लिए अपनी फीस भी खुद डिसाइड करने का मौका दिया था। बता दें कि अक्सर फिल्म प्रोड्यूसर्स एक्टर्स से बातचीत करने के बाद उनकी फीस डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ सलमान ने शहनाज गिल को अपने मन मुताबिक फीस चार्ज करने का मौका दिया। बता दें सलमान खान की बहन अर्पिता खान की ईद पार्टी में शहनाज गिल और सलमान खान मीडिया के सामने पोज देते हुए नजर आए थे। सलमान शहनाज पर पूरी तरह से मेहरबान है, उन्होंने शहनाज के करियर का जिम्मा उठा लिया है। शहनाज गिल अब अपने बॉलीवुड डेब्यू से क्या धमाल मचाती है ये तो वक्त ही बता पाएगा। तब तक के लिए फैंस को इंतजार तो करना ही पड़ेगा।